Hey everyone, welcome back again to another interaction on magnetism and matter. हमारी पिछली मुलाकात में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा. आप में से जो लोग पहला इंटरेक्शन अटेंड कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, मैं ये बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, ये वाला जो टॉपिक था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज से काफी ज्यादा रिलेटेड था. 90% प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही थी, एक्सेप्ट सिर्फ एक. वो एक ये कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कभी ओरिजिनेट या कहीं टर्मिनेट नहीं होती. आप ये कहते हो कि बार मैग्नेट के बाहर या सोलेनोइड के बाहर दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वेयर एज इनसाइड द बार मैग्नेट और द सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. बता गई समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन और ओरिजिन और टर्मिनेशन आप पढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन है, दे आर डायरेक्टेड, दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट, दे आर नॉट टर्मिनेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. दैट वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इन आवर टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. आई टोल्ड यू कि हमारा ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का यूनिट है, दिस मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैंने आपसे कहा था कि इस यूनिट को हम कुछ चार अलग अलग सेक्शंस में, चार अलग अलग सेगमेंट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. और वो चार सेगमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला सेगमेंट आएगा हमारे पास, देखो पहले तो मैं आपको चार सेगमेंट मेंशन कर दूं एक बार फिर से, ऑल्दो आई टोल्ड यू द ब्लूप्रिंट, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि इन चारों सेगमेंट्स में पहली बात हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज की. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज, राइट? सो दिस वी आर ऑलरेडी डन विद, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पिछली मुलाकात में, तो दिस इज डन. ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, पहले इस बारे में बात करते हैं. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज, राइट? ये आज हम करने वाले हैं. और अगर रिमेनिंग सेगमेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो आई कैन टेल यू कि देर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स जिसमें हम बात करेंगे. किस किस के बारे में? वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉपर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स प्लस इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को समझने के लिए ही हमें इन इंपॉर्टेंट टर्म्स की जरूरत होगी जिन्हें हम हमारे आने वाले इंटरेक्शन में डील करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. हम बात करेंगे कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं. नंबर एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नंबर दो एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एनीवेज वी विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट इट. अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज. तो शुरू करते हैं इनके साथ. देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं बार मैग्नेट के बारे में तो बार मैग्नेट एग्जैक्टली दिखता कैसा है? अपने आप में ये एक क्यूबॉइडल शेप होती है और बार है समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना? तो हर बार हम इसके टॉप व्यू को लेकर ही बात करेंगे. वैसे आप कह सकते हो कि ये पोल्स जो होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, वो हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग होते हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात आप क्या बोल सकते हो? बार मैग्नेट, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. मेड फ्रॉम किस तरीके के सब्सटेंसेस से बनाया जा सकता है? मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी कारण है. वो जब हम बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे होंगे तब हमें समझ में आएगा.
सो फिलहाल पहली इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियली बनाया जाता है एंड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है. पोल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड, पोल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड अलोंग द लॉन्गेस्ट एक्सेस, अलोंग द लॉन्गेस्ट एक्सेस. भाई बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी एक्सेस दिखती है ना, जो डायमेंशन आपको सबसे बड़ी दिख रही है, उस डायमेंशन के अलोंग ही आपके पोल्स जनरेट होते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना नीचे नॉर्थ है और ऊपर वाले फेस पे साउथ है. इनफैक्ट लेफ्ट वाले फेस के पास नॉर्थ है और राइट वाले फेस के पास साउथ है, कुछ ऐसा होगा. सो लॉन्गेस्ट एक्सेस के अलोंग ही हमेशा पोल्स जनरेट होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे. लॉन्गेस्ट एक्सेस के अलोंग ही क्यों जनरेट होते हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस जब हम पढ़ेंगे, यानी हमारे अपकमिंग इंटरेक्शन में. ठीक है, अच्छा फिर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई. पोल्स जब हमने बोल ही दिया लॉन्गेस्ट एक्सेस के अलोंग है, तो आप बोलेंगे पोल्स आर जनरेटेड, पोल्स आर जनरेटेड नियर द एंड्स, पोल्स आर जनरेटेड नियर द एंड्स एंड नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स. That is, आप बोलोगे slightly inward. That is, you can say slight inwards. यानी कि जो magnetic poles generate हो रहे हैं वो ends पर ना generate होके end से थोड़ा सा अंदर generate हो रहे हैं, इसलिए आप उन्हें कह रहे हैं slight inwards generate हो रहे हैं. यदि मैं mention करने की कोशिश करूं कि pole से pole की separation यदि magnetic length है LM, pole से pole की separation यदि magnetic length है और एंड से एंड की जो दूरी है वो ज्योमेट्रिक लेंथ है, एंड से एंड की दूरी जो है वो ज्योमेट्रिक लेंथ है, तो आप यहां पर कह सकते हो हियर यू कैन से कि जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ होगी ना, मैग्नेटिक लेंथ LM, मैग्नेटिक लेंथ LM जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है, 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है. और मोर प्रिसाइसली LM जो होता है वो 0.84 LG होता है, 0.84 LG होगा, जहां पे ये LG क्या है, दिस कैन बी रिटन एज ज्योमेट्रिक लेंथ, ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाएगी. बात आ गई है समझ में. सो एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो हमने की है, ये बात की है हमने किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में. एक मिसकंसेप्शन होता है कि एंड्स पर होते हैं पोल्स, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पोल्स एंड्स पे नहीं होके एंड से थोड़ा सा इनवर्ड होते हैं. और अभी के फर्दर डिस्कशन में जहां जहां मैं लेंथ के बारे में बात करूंगा, लेंथ ऑफ डाइपोल, भाई ये भी डाइपोल है, बार मैग्नेट भी एक तरीके का डाइपोल ही है. यदि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो वहां पे साउथ पोल है, अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैग्नेटिक मोनोपोल्स या मैग्नेटिक यूनिपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो दूसरी बात हमें ये समझ में आएगी, सेकेंडली हमें ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स बोलिए या यूनिपोल्स बोलिए, मोनोपोल्स या फिर यूनिपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट. हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स या इलेक्ट्रिक यूनिपोल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई. उसका कारण क्या है कि भाई अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक के बारे में बात करें तो अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल या सिर्फ अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को. सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स या मैग्नेटिक यूनिपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट, एक बात तो हमें समझ में आ गई है. ठीक है, यानी जहां जहां नॉर्थ होगा वहां वहां साउथ होना ही पड़ेगा. इसका मतलब यदि आप ये बोले कि ये आपका बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, राइट, एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक इट समवॉट लाइक दिस, आपने इसे तोड़ दिया. तो जब आपने इसे तोड़ा तो आपके पास दो टुकड़े मिले, राइट. पहला क्या मिला आपको, फर्स्ट यू गॉट दिस नॉर्थ और यहां ये शेप आपको मिली दिस, तो यहां ऑटोमेटिकली साउथ जनरेट हो जाएगा, प्लस जहां आपको साउथ वाला हिस्सा मिला वहां ऑटोमेटिकली नॉर्थ जनरेट हो जाएगा. तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जहां नॉर्थ है वहां साउथ को होना ही पड़ेगा,
और जहां साउथ है वहां नॉर्थ को होना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है। बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टी की, बात नंबर तीन। सो नाउ वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। बट बिफोर दैट फ्यू अदर प्रॉपर्टीज इफ आई वुड लाइक टू मेंशन। भाई मैथमेटिकल पार्ट तो वहीं से शुरू होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी बताने की कोशिश करूं तो चलिए शुरू से वहीं से करते हैं। इट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। It has directive properties, that is a freely suspended bar magnet या magnetic compass needle के बारे में भी अगर हम बात करें तो that is also a magnet only, है ना, जिसे compass में use किया जाता है। That is also a magnet. A freely suspended bar magnet is always aligns itself. वो हमेशा ही geographic north south direction show करता है। Always aligns itself along the north south direction, right? जो magnet का जो हिस्सा खुद को north direction की तरफ, north pole of earth की तरफ, मैग्नेट का जो हिस्सा खुद को नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्ट कर लेता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, कैसे भी करके यदि मैं उसको छोड़ूंगा, अलाइन करूंगा, तो वो हमेशा ही खुद को कुछ ऐसे रख लेगा। और मैं ये कहूंगा कि मैग्नेट का जो हिस्सा, सपोज कीजिए यहां जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, और यहां कहीं जियोग्राफिक साउथ है, SG, जियोग्राफिक साउथ, ठीक। तो यदि हम जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैग्नेट का जो हिस्सा या जो एंड लगभग जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, लगभग, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, उसे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे, और जो हिस्सा साउथ पोल की तरफ है ये होगा हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस। पोल्स हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग जनरेट होते हैं, तो मैग्नेट अगर आर्बिट्ररी शेप का भी है तो इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस जो होगा वो हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। आप बोलेंगे जो हिस्सा, जो लॉन्गेस्ट एक्सिस का एंड टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ पॉइंट आउट कर रहा है उसका नाम रखेंगे साउथ पोल, जो टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा है उसका नाम रखेंगे नॉर्थ पोल। मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बेसिकली इन डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप बोलेंगे हियर, चलो नोट की फॉर्म में पढ़ते हैं इसको। आप बोलोगे कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड का कारण है कि हम बोलते हैं कि सर अर्थ की लेयर्स होती है कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर में मेटल्स जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ के कोर में मौजूदा मोल्टन फॉर्म के मेटल भी तो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, विच मीन्स दे विल बी गिविंग यू द सर्कुलेटिंग करंट। और इन सर्कुलेटिंग करंट के कारण हम सीख चुके हैं जहां जहां करंट होगा वहां वहां उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी देयर। सो वी विल बी सेइंग कि अर्थ की रोटेशन के कारण कोर में मौजूदा मोल्टन मेटल यदि सर्कुलर पाथ में चक्कर काटने लगेगा या घूमने लगेगा, राइट, तो डेफिनेटली उससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आएगी, और यही अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी एक जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है, जरूरी नहीं है किसी दूसरी जगह भी वही मैग्नेटिक फील्ड हो, और यह भी जरूरी नहीं कि अगर यहां खड़े होकर आज की डेट में मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो आज से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद भी यहां पे वही मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पे जगह बदलने के साथ भी बदल जाती है, और समय के साथ साथ एक जगह खड़े हुए भी बदल जाती है। So you will be saying Earth's own magnetic field is responsible for the directive properties of
बार मैग्नेट, ऑफ ए बार मैग्नेट बोलिए, बार मैग्नेट और एनी अदर मैग्नेट, और एनी मैग्नेट. ऑलराइट, ये बात हमें समझ में आ गई है. बार मैग्नेट में इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि नॉर्थ और साउथ मेंशन होते हैं. अदरवाइज भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो जो पोल्स जनरेट होंगे वो पोल्स हमेशा ही लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग जनरेट होंगे. इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है. अभी के लिए क्यों ऐसा होगा वो हम बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ लेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अच्छा, इस बारे में कि डायरेक्टर प्रॉपर्टीज के पीछे का कारण है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या होते हैं. डिटेल में बात तो बाद में करनी है, डिटेल में चर्चा बाद में होगी. सो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में यदि कुछ थोड़ी सी बात है, जो मैं अभी बताऊंगा वो बाद में नहीं बताऊंगा, राइट. और जो बाद में बताएंगे वो तो बाद में ही सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब है जो अभी बता रहे हैं उसको अभी के अभी ध्यान रखे ही आगे चलना है. सो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम डिनोट कर सकते हैं थीटा से, ठीक है. क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कौन से प्लेन में बनता है, किन एक्सिस के बीच में बनता है, कैसे कैसे वेरिएशन है, कुछ नहीं पढ़ना अभी. वी विल बी सेपरेटली डीलिंग विद एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, तब हम इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है अर्थ सरफेस के ऊपर. मैंने आपको बताया ना कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है दैट चेंजेस विद लोकेशन, चेंजेस विद लोकेशन एंड टाइम बोथ. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो लोकेशन और टाइम दोनों के साथ ही बदलेगा, दोनों के साथ ही बदलता है, राइट. तो फिलहाल अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूं जिन पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है. मैं फिर से बोलता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मेजर कैसे करेंगे, सब पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता नहीं करनी. लेकिन अगर अभी के लिए मैं आपको यह बताऊं कि उन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए जिन पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं. इन्हें कहा जाता है, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम होगी, लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और सिंपली लिख देते हैं सेम वैल्यू ऑफ थीटा. इन लाइंस को कहा जाता है आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है. और अगर मैं बात करूं लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, इसका मतलब है कि भाई अभी भी अपने आप में ये है तो एक प्रकार का आइसोगोनिक ही, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम है, मगर सेम में भी बकायदा कितनी है, जीरो डिग्री से. तो ये कहलाएंगी एगोनिक लाइंस. क्या कहलाएंगी, एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस, ठीक है. अगले एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं. दूसरा एलिमेंट कहलाएगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप. मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, डेल से इसे डिनोट करते हैं. मैं फिर से ही कहूंगा क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, चेंज का पैटर्न क्या है, कहां कितना, पोल्स पे कितना, इक्वेटर पे कितना, ये सारी चर्चा हम बाद में करेंगे. अभी तो टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं कि कुछ लाइंस ऐसी होंगी, या लाइन, कुछ लाइन ऐसी होंगी जो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगी जिन पॉइंट्स पे सेम वैल्यू ऑफ डेल है. लाइंस ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम डेल, सेम वैल्यू ऑफ डेल, या सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इनको कहा जाता है आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस, राइट. और अगर मैं यहां पे बात करूं लाइंस ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स
having del equal to 0 degrees. Del equal to 0 degrees, आपकी बार भी isoclinic form की ही है, यानी वैल्यू सेम है सभी डेल की, लेकिन वो बकायदा कितनी सेम है, 0 degrees. तो इन लाइनों को कहा जाता है अक्लिनिक लाइंस, इन्हें कहा जाता है अक्लिनिक लाइंस. बात कर लेते हैं तीसरे टर्म की. द थर्ड टर्म इज हॉरिजॉन्टल. द थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसे आप BH से डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल क्यों नहीं लिया सर, हॉरिजॉन्टल ही क्यों लिया, कहां मेजर करते हैं, कौन से प्लेन में मेजर कैसे किया जाता है, पैटर्न ऑफ वेरिएशन क्या है, दोबारा कहता हूं बाद में पढ़ेंगे. अभी क्या करना है, लाइंस ज्वाइनिंग सेम वैल्यूज, joining all points having same value of BH. इनको कहा जाता है isodynamic lines. कहेंगे isodynamic lines, all right? या इन्हें कहा जाता है isogams. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ये कहोगे lines joining all the points having BH equal to zero, तो वो कोई लाइन नहीं है, BH equal to zero केवल और केवल दो पॉइंट्स पे मिलेंगे, only at magnetic poles. आप कहोगे horizontal component of Earth's magnetic field zero होगा and vertical component of Earth's magnetic field maximum होगा. इससे ज्यादा अभी इसके बारे में बात नहीं कर रही है, ठीक है. आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू. हम बात कर रहे थे किसके बारे में, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में. दिस वाज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट. एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के साथ हमने ये भी देखा कि यार डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अर्थ की अपनी डायरेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यों हर बार बार मैग्नेट को का जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हो जाता है, उसके लिए अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, विच कैन बी कंसिडर्ड और मेजर्ड बाई कंसिडरिंग थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अबाउट विच आई हैव टोल्ड यू टू टर्म्स, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल बट इन आर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड. इन चीजों को आप अभी ध्यान में रखेंगे जब मैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यानी कि आज से बस कुछ मुलाकातें बाद, तब हम इसको बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, फील आ जाएगी हमें फिजिक्स की. अभी तो बस टर्मिनोलॉजी को याद में रखना है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. या इसको गैम्स है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इनको. दीज आर आइसोगैम्स, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी. इट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी. इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैग्नेटिज्म पैदा किया जा सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको मैग्नेट बनाया जा सकता है. जैसे बार मैग्नेट को भी तो मैग्नेट बनाया गया था, इट वॉज नॉट अ नेचुरल मैग्नेट, इट्स अ बेसिकली एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो यू टुक अ बार शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एटसेट्रा, एंड देन यू केप्ट दैट बार मैग्नेट. तब आपने उस बार के टुकड़े को, उस मैग्नेटिक मटेरियल के टुकड़े को आपने रखा कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब क्योंकि वो टुकड़ा जो था, क्योंकि वो बार जो था, दैट वॉज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा की जा सकती है एक अच्छे अमाउंट में, और काफी ज्यादा दिनों तक रहती भी है, इनका रिटेंटिविटी काफी अच्छा होता है. और इस पॉइंट के बारे में डिटेल में चर्चा होगी कि फेरोमैग्नेटिक ही क्यों, हम जब अपने अगले इंटरेक्शन में बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे. तो दिस प्रॉपर्टीज आर समहाउ बेस्ड ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. तो अभी आप कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे, इनकी फील आपको बाद में आएंगी. तो आप बोलेंगे दैट इज इफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन,
कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, निकल एटसेट्रा. इट्स इफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, इन द मैग्नेटिक फील्ड और नियर अ बार मैग्नेट, नियर अ बार मैग्नेट, देन सम मैग्नेटिज्म और सम परमानेंट मैग्नेटिज्म. वैसे तो परमानेंट का मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट, मगर यहां परमानेंट का मतलब है जो थोड़े ज्यादा समय तक उसके अंदर रहे. सम परमानेंट मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट, सम परमानेंट मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट. दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट. अब समझने वाली बात यह है कि यहां खास बात क्या है, यहां बार मैग्नेट खास है क्या? नहीं, बार मैग्नेट खास नहीं है, यहां ये सब्सटेंस खास है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. जैसे एक लोहे का टुकड़ा, यदि एक लोहे के टुकड़े को एक मैग्नेट के साथ कॉन्टैक्ट में रख के गद्दे के नीचे दबा के रख दो फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डिड दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड. मैंने एक बार मैग्नेट, मुझे याद है मेरे पास होता था, और उसके साथ एक सेफ्टी पिन या एक लोहे का टुकड़ा अगर आप कहें तो उसको चिपकाया, चिपक गया वो, राइट, अट्रैक्शन हुई, और उसको गद्दे के नीचे बेड के अंदर दबा के रख दिया. एंड आई फॉरगॉट आफ्टर लाइक वन और टू इयर्स व्हेन वी वर बेसिकली शिफ्टिंग आवर होम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन वो टुकड़ा जब मुझे मिला, वो मैग्नेट के साथ लगा हुआ, जब मैंने उन दोनों को हटाया तो आई वॉज एबल टू फील द अट्रैक्शन द सिमिलर वे आई वॉज एबल टू फील दैट बिफोर. बट द पॉइंट इज कि मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कुछ खास हुआ है, लेकिन जब उस लोहे के टुकड़े को बाकी सारे सेफ्टी पेंस या चाबियों के गुच्छों के साथ विद कीज व्हेन आई ट्राइड टू कीप, देन वो जो कीज थी, वो जो आयरन की बनी हुई कीज थी, लोहे की चाबी थी, वो उस बार के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगी, वो उस आयरन पीस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगी. देन आई रियलाइज कि अच्छा, ऐसा होता है कि अगर मैग्नेट के साथ एक आयरन पीस को इन्फ्लुएंस करके या स्टिक करके रख दिया जाए तो थोड़ी कुछ दिनों के बाद वो आयरन पीस भी अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. इंडीड इट हैपेंड, राइट. सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट अबाउट द बार मैग्नेट, बट दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सिमिलर वे अगर आप एक आयरन पीस को बहुत ज्यादा अंदर अर्थ के अंदर आप उसे दबा पाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी अपनी एक ठीक ठाक सी मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड मिलती है. उसका कारण होता है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड. समहाउ यूर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि क्या क्या होता है डेली लाइफ में या क्या क्या चीजें होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा सके, उनके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी. दिस इज देयर इज अ स्टेटमेंट, राइट. अगर आपसे कहा जाए, देखो मैं स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको बताता हूं, रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड अट्रैक्शन इज नॉट, अट्रैक्शन इज नॉट. दैट इज आप ये बोलेंगे, देखो जरा दो सिचुएशंस आपको बताता हूं. आपने एक बार मैग्नेट को यू लटकाया हुआ है, ऑलराइट, और यहां आप एक सब्सटेंस ले आए एंड दिस सब्सटेंस वाज बेसिकली अट्रैक्टेड. भाई ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ये साउथ पोल ले लेते हैं, डजंट मैटर. ये सब्सटेंस जो है ये अट्रैक्ट होने लगा, अट्रैक्शन, राइट, ओके. दूसरी सिचुएशन ये लेते हैं, दूसरी सिचुएशन ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट को हमने यूं लटकाया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड दिस इज दिस, and that's the substance and that felt repulsion. Repulsion feel hui sir, repulsion, right.
अब आपको बताना है कि इन सब्सटेंस के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने कहा कि ये बार मैग्नेट को लटकाया है और ये सब्सटेंस इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस कैन बी ईदर अ मैग्नेट, या तो सब्सटेंस खुद ब खुद एक मैग्नेट है, या तो सब्सटेंस खुद ब खुद एक मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि यदि सब्सटेंस मैग्नेट होगा और उसका साउथ पोल यहां रखा हो सकता है, तो साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, या फिर और इट कैन बी अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट कैन बी अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब है या तो वो अपने आप में खुद ब खुद एक मैग्नेट है, या फिर आप कहोगे कि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल कहने से मतलब है कि वो आयरन का टुकड़ा, कोबाल्ट, निकल भी हो सकता है, तो भी बार मैग्नेट उसे अट्रैक्ट ही करने वाला है। तो वी आर नॉट श्योर ना, हम श्योर नहीं है कि ये सब्सटेंस क्या है। लेकिन अगर ये सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? श्योर सब्सटेंस मस्ट बी मैग्नेट, सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट हैविंग लाइक पोल्स फेसिंग। ऐसे लिख देता हूं। देखो कहने का मतलब है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये रिपल्शन फील कर रहा है, तो पक्का एक तो ये मैग्नेट रहा होगा। अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ना अट्रैक्शन होती ना रिपल्शन होती। लेकिन अगर मैग्नेट है तो रिपेल होगा, रिपेल हो रहा है तो पक्का मैग्नेट होगा, हैविंग नॉर्थ पोल यहां पर, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही लिखा है मैंने, हियर सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट, हियर सब्सटेंस मस्ट बी अ मैग्नेट हैविंग द लाइक पोल्स फेसिंग, लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने होंगे। दैट्स व्हाई वी सेड कि रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म बट अट्रैक्शन इज नॉट। यानी कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है, मैग्नेट है या नहीं है, उसके बारे में रिपल्शन से पता चल सकता है। अट्रैक्शन में तो वी आर कंफ्यूज, हो सकता है वो बकायदा खुद ब खुद एक मैग्नेट हो सकता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, जैसे लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर प्रॉपर्टीज नाउ। अब थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप्स की तरफ जाते हैं बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। राइट, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज? सो एक्सप्रेशंस देखते हैं कुछ। फिलहाल मैं बात करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर ड्यू टू अ बार मैग्नेट। राइट, एनालॉजी ध्यान में रखिएगा। एनालॉजी ये है कि नॉर्थ पोल किसकी तरह बिहेव करता है और साउथ पोल किसकी तरह बिहेव करता है। हम ये कहेंगे कि एनालॉजी हमारी कुछ ऐसी है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, दैट बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल दैट बिहेव्स एज नेगेटिव चार्ज। नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाला कैसे जाता है। सो आप ये कहेंगे कि ये रहा आपका बार मैग्नेट, लेट्स से दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल। तो मुझे पता है कि ज्योग्राफिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ तो इसकी LG है, ज्योमेट्रिक लेंथ, मगर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैग्नेटिक लेंथ अगर इसकी LM है, मैग्नेटिक लेंथ, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट मी राइट इट एज 2A। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 2A है, एंड ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है इसके बारे में हमें पता है कि ये 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ है। कहने का मतलब यदि किसी ने ज्योमेट्रिक लेंथ आपको 7 मीटर्स दिया है, तो उसका 6/7 करोगे और आप 6 मीटर लिखोगे। ठीक है, 6 मीटर लिखोगे तो ये 2A के बराबर है, यानी एक इसके बराबर हो जाएगा, 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो यू विल से कि ये 6/7 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ है। ऑलराइट, ये वाला डेटा हमें ध्यान में रखना है, और इसे आप फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन या टू मेक द एस्टैब्लिश द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाटएवर वी आर लर्निंग इट नाउ इन टर्म्स ऑफ इन मैग्नेटिक्स, इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए हम इसे 2A लिख देते हैं। तो यदि यहां मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो देखो मैं क्या बोल पाऊंगा। आई कैन से हियर मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, वहां क्या होता था, Q into 2A, वहां होता था Q into 2A, where
चार्ज, q इज चार्ज एंड 2a इज द सेपरेशन. यहां पे आप लिखोगे स्मॉल m इंटू 2a, स्मॉल m इंटू 2a. और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगी वहां डायरेक्शन होती थी नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, वहां डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वॉज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. यहां डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि माइनस की तरह कौन बिहेव कर रहा है, माइनस की तरह साउथ पोल बिहेव कर रहा है, और प्लस की तरह कौन बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है. तो डेफिनेटली यू विल बी सेइंग कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है. यहां स्मॉल एम रह गया. फॉर स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ, जैसे वहां चार्ज होता है, चार्ज की एनालॉजी यहां क्या होगी, चार्ज की एनालॉजी पोल स्ट्रेंथ होगी. एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी. आप कहेंगे कि सर देखिए एसआई यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की हमें पता है एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट की हमें पता है फॉर्मूला एन आई ए यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और ये 2a भी इन टर्म्स ऑफ मीटर होगा. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर को अगर 2a से मैं डिवाइड कर दूं, यानी मीटर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर. तो डायमेंशन क्या निकल कर आ जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा हमारा ए एल स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए एल. बात आ गई है समझ में. सो इट इज साउथ टू नॉर्थ जस्ट लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एंड पोल स्ट्रेंथ इट इज m into 2a, m is small m is pole strength, SI unit ampere meter, dimension al. एक बात ध्यान रखना हमेशा ही कि जो pole strength होगी वो दोनों poles की identical होगी, जितनी south pole की होगी उतनी ही north pole की होगी. तो आप ध्यान रखेंगे pole strength of both the poles, pole strength of both the poles is always equal. Pole strength of both the poles is always equal. That is, आप ये बोलोगे poles are equally strong. जो आपके poles होते हैं वो क्या होते हैं, वो equally strong होते हैं. Poles are equally strong. बात आ गई समझ में, फंडा हो गया clear. बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे. ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन इससे पहले कि मैं और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको. इलस्ट्रेशन वन, सपोज कीजिए आपके सामने एक बार मैग्नेट है. ये बार मैग्नेट जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कैपिटल एम. मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है कितना, कैपिटल एम, ठीक. और आपके सामने बनाए हैं तीन केसेस. केस वन, केस वन में आपने इस बार मैग्नेट को बेंड किया, और बेंड करने के बाद कुछ ऐसी शेप बनाई सच दैट ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्रीज बन रहा है. एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्रीज बन रहा है. और आपको बताना है कि नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. इस शेप को अगर बेंड किया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. केस टू में आपको क्या करना है, केस टू में आपने यही काम कर दिया है 90 डिग्री के लिए. यूं आपने इसको बेंड कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट एफ नॉट ले लेते हैं, ठीक है. और अब की बार दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है, और अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना है. तो देखिए मैं एक एक करके शुरू करता हूं. मैं बोलूंगा हियर, हियर जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम नॉट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट एम नॉट, ये एम नॉट किसके बराबर है, ये है एम इंटू एल एम, मैग्नेटिक लेंथ जिसे आपने 2a बोला है, जिसे आपने 2a बोला उसे मैं मैग्नेटिक लेंथ भी बोल सकता हूं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी इंटू पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एम इंटू एल एम, राइट. नाउ केस वन के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए मैं केस वन के बारे में क्या बोल पाऊंगा. मैं केस वन के बारे में बोलूंगा कि हमारे पास ये 60 डिग्रीज, इसका मतलब शेयर जो भी इसकी आर्क लेंथ होगी वो पहले वाली मैग्नेटिक लेंथ के बराबर होनी चाहिए. मतलब आप अभी भी ये कहोगे पहले वाली लेंथ भी मैग्नेटिक लेंथ है, अभी भी पोल्स जो है वो यहीं पर है ना, तो मुझे पोल्स के बीच की दूरी चाहिए.
जो लगभग लगभग वही आर्क लेंथ के बराबर होगी, 0.85 टाइम्स तो होती ही है, तो मैं वही टोटल लेंथ लेकर चल रहा हूँ। आई विल से कि आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू LM। आर्क लेंथ जो होनी चाहिए वो LM होनी चाहिए, LM, ठीक है। और आर्क लेंथ होगी कितनी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, या तो ये लिख दो आप, है ना, आर्क लेंथ। या फिर आप बोल सकते हैं आर्क लेंथ जो होता है वो एंगल इंटू रेडियस होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है। तो आप बोलेंगे आर्क लेंथ हो गया 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज को हम ऐसे लिख देते हैं पाई बाय 3 इंटू आर, पाई बाय 3 इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू LM, दैट विल बी इक्वल टू LM। तो यहां से आर कितना निकल कर आ गया, 3LM बाय पाई, 3LM बाय पाई। सो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अच्छा देखो ये रेडियस आ रहे, ये वाला रेडियस भी आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए ना, मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, पोल्स के बीच की दूरी, तभी तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा। तो मैं बोलूंगा ये आर है, ये आर है, बीच का एंगल 60 डिग्रीज है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो यदि इसके ऑपोजिट 60, इसके ऑपोजिट 60, बीच का 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू आर, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू आर। सो यू विल बी सेइंग, देखो आप क्या बोल पाओगे, आप बोल पाओगे कि हम क्या करते हैं ना सर, हम यहां से देखते हैं, हम ये बोल पाएंगे कि यहां पर जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ फाइनल इनटू मैग्नेटिक लेंथ फाइनल, यही तो होगा। पोल स्ट्रेंथ फाइनली कितनी है, पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता, राइट। फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ जो है वो आर के बराबर है, आर के बराबर। सो दिस विल बी रेडियस, इसका मतलब आप बोलोगे एम इंटू रेडियस किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ पुराना वाला मैग्नेटिक लेंथ, आपने लिखा थ्राइस ऑफ LM बाय पाई, थ्राइस ऑफ LM बाय पाई, तो क्या कर देंगे 3 बाय पाई MLM, 3 बाय पाई MLM, और ये MLM किसके बराबर है, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर है, तो इट इज 3 बाय पाई M0। फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ गया, 3 बाय पाई M0 के बराबर आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडा क्लियर हो चुका है आपको, है ना। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, यदि मैं यही बात केस टू के बारे में करूं, केस टू के बारे में बात करूं, तो केस टू में व्हाट यू डिड इज आपने इसे क्वार्टर सर्कुलर आर्क बना लिया लाइक दिस, तो कोई बात नहीं। अब फटाफट से आप लोग मेरे साथ कीजिए, बताइए क्या करेंगे, बोलेंगे सर यहां ये पोल्स हैं, यदि ये रेडियस आर है यहां से यहां तक, ये रेडियस भी आर है यहां से यहां तक, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो नेचुरली कितनी आ जाएगी, 2R निकल कर आएगी, 2R, राइट ना, ये 90 डिग्री है, रूट 2R आएगी, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली दूरी पाइथागोरस थ्योरम से रूट 2R आ जाएगी, रूट 2R। तो पहले तो R को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप कहेंगे शेयर आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ दैट विल बी इक्वल टू, वो मैग्नेटिक लेंथ LM के बराबर ही होनी चाहिए, उसी को तो बेंड वर्क करा है आपने, या ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होनी चाहिए, मगर आर्क बनाने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट पोल से पोल ही है, जो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको मैग्नेटिक लेंथ ही ले सकता हूं। सो आर्क लेंथ जो है उसे मैं क्या लिखूंगा, अगेन एंगल आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यानी पाई बाय 2 इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू LM। तो यहां से आपने आर तो निकाल लिया है, दैट इज 2 बाय पाई LM, 2 बाय पाई LM। सो व्हाट यू कैन से, यहां आप क्या कह सकते हैं, यहां आप कह सकते हैं सो जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो, बस तो मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M इनटू LM फाइनल होगा, पोल स्ट्रेंथ तो उतना ही है तो M है इसलिए, और यहां आप इसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू आर, तो ये है M, रूट 2 इंटू आर को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 बाय पाई LM, इसका मतलब यू विल राइट इट एज 2√2 बाय पाई एंड इट इज MLM, इसका मतलब है कि फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका निकल कर आया है वो 2√2 बाय पाई इंटू M0 आएगा, 2√2 बाय पाई इंटू M0 आएगा, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट, दैट विल बी योर रिजल्ट। हम देख सकते हैं, ये देखिए यहां भी ये रिजल्ट आ गया है आपका 3 बाय पाई M। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हमें पता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जिस तरीके के सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनते थे वैसे ही सवाल इसमें भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
अब हम बात कर रहे हैं कि इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा. सेवेंथ, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी एक्सियल पॉइंट. इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं एट एनी एक्सियल पॉइंट. ऑलराइट, देखते हैं जरा. हम ये कहेंगे कि एक्सिस पे डिटरमाइन करना है, तो ये ऐसे बना देता हूं मैं. ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल. यू कैन से सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर आप क्या कहेंगे, अगर सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है तो किसी एक से कितनी दूरी पर होगा, किसी एक से ए दूरी पर होगा. बस ये दूरी भी ए है. ऑलराइट, फंडा हो गया क्लियर. और अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिटरमाइन करने की कोशिश करूं तो वो साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा. नाउ दैट्स अ लाइन, दिस इज नोन एज द एक्सियल लाइन, जो दोनों के पोल्स को ज्वाइन कर रहा है. दिस इज नोन एज एक्सियल लाइन, ठीक है. और एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक. सेंटर ऑफ डाइपोल से आर दूरी पे देयर इज अ पॉइंट पी वेयर यू विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो नॉर्थ पोल आपने लिखा है, इस नॉर्थ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है और इस साउथ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है. नॉर्थ की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ एनालोगस होता है पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकलती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर निकलती है. तो आप बोलोगे कि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, बी एन बोला मैंने इसे, बी एन वेक्टर. और जैसे नेगेटिव चार्ज की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैसे ही साउथ पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. तो आप बोलोगे कि ये बी एस वेक्टर इधर है, ठीक है. जो लोग सिर्फ क्रैश की तरह देखना चाहते हैं, वो इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके डायरेक्शन का अंदाजा लेके सीधा रिजल्ट पे फोकस कर सकते हैं. बाकी के लिए डेरिवेशंस मैं बताता चल रहा हूं डिटेल में, तो सो दैट वी आर हैविंग एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशंस. तो वो उसी के हिसाब से हम डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं. तो आप बोलेंगे कि इनमें से जीतेगा कौन, इनमें से जो जीतेगा वो डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में जीत पा रहा है. आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में जीत पा रहा है, बी एन वेक्टर जो है वो बड़ा है क्योंकि वो करीब है पी पॉइंट के, तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा. सो व्हाट वी कैन से, यहां हम बोल पाएंगे शेयर, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर आएगी दैट विल बी इक्वल टू नॉर्थ पोल की वजह से पी पॉइंट पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस साउथ पोल की वजह से पी पॉइंट पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, यही होगी, ठीक है. नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो कितनी होगी, नॉर्थ पोल की दूरी कितनी है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यदि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज से r दूरी पे देयर इज अ पॉइंट p, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड जो p पॉइंट पर होता है उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय k q बाय r स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही आप लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि यहां पर पोल स्ट्रेंथ है m और इससे दूरी पे r दूरी पे देयर इज अ पॉइंट p, तो आप यहां पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगा इस पोल की वजह से, सेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड दूर होगी, साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी. वो नेचर या डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं. अभी हमारा इंटरेस्ट किस बात में है, अभी हमारा इंटरेस्ट है मैग्नेट्यूड में. तो जैसे यहां पे क्यू होता है यहां पर आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, जैसे यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यहां पर आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही है, जैसे यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर. बात आ गई समझ में. बस कांस्टेंट जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहां कांस्टेंट जो है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस.
यानी अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिएगा, आप बोलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, एम की वजह से लिख रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ एम बाय दोनों के बीच की दूरी। तो आपने कहा सेंटर से दूरी थी आर, ये ए हट चुका है तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस ए, इसका है स्क्वायर, आर माइनस ए इसका स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, एम कैप की, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की ही डायरेक्शन आ जाएगी। प्लस साउथ वाले की वजह से लिखोगे तो साउथ वाला ये रहा, सेंटर से दूरी आर है, ये दूरी ए यूनिट्स जो है ये और एड होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एम बाय 4 पाई, ये है आर प्लस ए का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस एम कैप, द डायरेक्शन विल बी माइनस एम कैप। Now you are basically having two opposite vectors, right? But they are not equal. Had it been the case equal and opposite vectors होते तो answer zero आता। मगर ये opposite तो है मगर equal नहीं है। तो इनमें से जीतेगा कौन? बड़ा minus छोटा बड़े वाले की direction में, यानी इसका denominator छोटा है। Denominator छोटा है, तो ये overall जीतेगा। Overall जीतेगा तो इसी की direction जीतने वाली direction होगी। वैसे भी देख के समझ में आ रहा है north वाला ही जीत रहा था। तो आप क्या बोलोगे? You will be saying here. नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे निकलकर आया है, ये निकलकर आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और न्यूमरेटर में एम यदि आप कॉमन ले लो तो ये आया 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि वही जीत रहा था। फंडा हो गया क्लियर? अब इसी को अगर मैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एम तो है ही, यदि मैं एलसीएम ले लूं आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, व्हाई नॉट टू राइट इट एज आर माइनस ए और आर प्लस ए का कंबाइंड स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद तो यही आएगा, देखो देख लो ध्यान से पहले सभी स्टेप्स में, और लगे कि मैं तेज चल रहा हूं आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सभी कैलकुलेशन स्टेप्स को ध्यान से देखिए, व्हेन यू आर सैटिस्फाइड 100% देन ओनली रिज्यूम द वीडियो फॉर आवर फर्दर डिस्कशन। आई होप अभी तक की कैलकुलेशन क्लियर है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ तो छोटा वाला एम है ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab हो जाता है, सो यू गॉट 4 इनटू आर इनटू ए, 4 इनटू आर इनटू ए एंड ओवर इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आ जाएगा इसका स्क्वायर एंड हियर इट इज एम कैप, हियर इट इज एम कैप। सो यदि मैं इस म्यू नॉट बाय 4 पाई को के लिख दूं, के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहां क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। यदि मैं इसे एम लिखूं, यदि मैं यहां पे 4 आर ए को क्यू नॉट 2 ए, 2 ए और 2 आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एम कैप लिखूं, तो ऐसा लिखने पे फायदा क्या होगा, ये 2 यहां है, के यहां है, एम और 2a को साथ में लिख दिया, m into 2a, ब्रैकेट के बाहर r छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ही, इसका स्क्वायर है ही और ये m कैप है। जरा और ध्यान से देखिए, यदि मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p पॉइंट विच इज एन एक्सियल पॉइंट निकालना होता या निकालना है तो ये कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे एक बार और, ये 2k m into 2a को मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोल दो, m into 2a को मैं मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोल देता हूं, into r into m cap डिवाइडेड में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा और ध्यान से देखिए, सो b net जो मैग्नेटिक फील्ड का आया, b net जो मैग्नेटिक फील्ड का आया, दैट विल बी इक्वल टू 2KRM वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दोनों को मिलाएंगे तो M वेक्टर आ जाएगा, ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट या फिर आप कहेंगे शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे कि जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन A है, यानी आप बार मैग्नेट से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे खड़े हो, बार मैग्नेट के सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे खड़े हैं इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, और यू कैन से द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, इससे आप काफी ज्यादा दूर खड़े हैं, काफी ज्यादा दूर खड़े हैं, तो L जो होगा या R जो होगा वो ग्रेटर देन A होगा।
देन इन दैट केस यू कैन से कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगी दैट विल बी इक्वल टू, यहां देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यदि ऐसा है तो ध्यान से देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो इग्नोर हो गया कम होने के कारण, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर फोर, आर की पावर फोर और ऊपर है आर तो नीचे क्या बचेगा आर की पावर थ्री, तो टू के एम बाय आर क्यूब, टू के एम बाय आर क्यूब, इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी एक्चुअल पॉइंट पे वो वेक्टर निकल कर आता था 2kp by r cube, वो वेक्टर निकल कर आता था 2kp by r cube फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, इसी तरीके से फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स या फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2kp by r cube की जगह 2km by r cube आ गया, सारी प्रॉपर्टीज एनालोगस है। तो यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता था तो मुझे नहीं लगता इसे ध्यान रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, यदि आप पहली बार मैग्नेटिक्स ही पढ़ रहे हो तो इसे बहुत डिटेल में सुन लो समझ लो पढ़ लो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो फिर वो उसमें काफी आसानी लगेगी आपको। और एनीवेज क्योंकि दो दो चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहा है तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें से आया उसमें से यू विल बी एबल टू डील विद डील इट इन अ सिमेट्रिकल फैशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअल पॉइंट। यही यदि मैं बात करूं आपसे, भाई हमारे पास सेवंथ पॉइंट था एक्चुअल पॉइंट वाला, यही अगर मैं आपसे बात करूं एट्थ पॉइंट की और मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन के बारे में आप क्या बोलोगे बार मैग्नेट के, तो देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा ढंग से। आप बोलेंगे कि सर ये रहे हमारे पोल्स, दिस इज माय साउथ पोल, दिस इज माय नॉर्थ पोल, राइट, एंड दिस इज द सेंटर। तो आप बोलोगे कि पोल से पोल की जो सेपरेशन है, पोल से सेंटर की जो दूरी है, पहले पोल से पोल की सेपरेशन मैंने दिखा दी 2a, दिस इज योर मैग्नेटिक लेंथ lm, ऑलराइट, और ये जो दूरी है ये a है, दिस वन इज ए, एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, या यूं कहें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक। नाउ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस वॉज योर एक्सियल लाइन, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर perpendicular to the axial line, it is passing exactly from the middle of the bar magnet, then in that case kya hoga, aap kahenge center se r duri par there is a point p where we wish to determine the value of magnetic field strength, then in that case you will say ki sir north pole ka bhi pole strength let's suppose small m hai aur south pole ka bhi pole strength yakeenan m hi hoga kyunki dono poles ki strength equal honi zaruri hai, theek। तो आप कहेंगे कि नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर तक की तरफ होती है वैसे ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड दूर होगी लाइक दिस, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है वैसे ही टुवर्ड्स द साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड साउथ की वजह से पी है, दिस, और दोनों का मैग्नेट्यूड जो होगा वो सेम होगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है और दोनों से दूरी सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है और दोनों से दूरी सेम है। तो आप बोलोगे कि इफेक्टिवली जो इसका रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो नलिफाई हो जाएंगे, यानी इफ यू विश टू से कि सर ऐसा है कि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, यदि ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, यदि ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा है तो दोनों के साइन फाई कंपोनेंट कट जाएंगे और कॉस फाई कंपोनेंट जो है वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये 2b cos फाई कंपोनेंट इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और 2b cos फाई कंपोनेंट इधर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से हियर जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी मैग्नेट्यूड तो होगा उसका 2b cos फाई किसी एक की वजह से b मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि दोनों पोल स्ट्रेंथ सेम है और दूरी भी सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है और दूरी भी सेम है, और इस दूरी को यदि मैंने r बोल भी दिया या d बोल भी दिया तो ये दूरी होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी एक की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट ओवर फोर पाई के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के की जगह म्यू नॉट ओवर फोर पाई, क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम, और डिस्टेंस की जगह ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर, ये आ गया। बची बात कॉस फाई की, तो कॉस फाई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, सो बेस इज ए एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट, अभी आपने निकाला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर ध्यान से देखें तो एक काम करते हैं, इस टू को वहीं ले जाते हैं, यानी कि आप बोलोगे म्यू नॉट ओवर फोर पाई एक साथ लिख देते हैं, m इंटू टू ए को एक साथ लिख देते हैं, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां रूट से हाफ कटेगा यानी पावर वन, वहां वन बाय टू यानी कि ये पावर थ्री बाय टू, वन प्लस वन बाय टू यानी ये पावर कितनी आ गई, थ्री बाय टू। इसका मतलब यदि कोई मुझसे पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, अच्छा डायरेक्शन लिख ली हम भूल गए, डायरेक्शन होगी माइनस एम कैप, वेक्टर लिख रहे हो ना इस तरफ, तो एम कैप अगर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर आ रहा है तो इट मस्ट बी माइनस एम कैप, यानी यू विल राइट इट एज माइनस एम कैप, ठीक है ना। यानी बी नेट अगर कोई मुझसे पी पॉइंट पे पहुंचे पूछे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहुंचे तो देखिए वो क्या होगा, वो होगा पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दे देगा और साथ में नेगेटिव साइन भी है, तो माइनस ऑफ म्यू नॉट ओवर फोर पाई की जगह के लिख दो, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर लिख दो, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, एंड ये जो है ये आपका रिजल्ट रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। बट यदि आप मुझसे बोले फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए बताइए सर, तो आप कहेंगे फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, या तो बोलिए फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, या फिर बात कर सकते हैं फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है ना, वैसे भी मैग्नेट डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो आप बोलेंगे आर जो है वो ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करने की कोशिश करें किसी पी पॉइंट पे विच सर्व्स एज द इक्वेटोरियल पॉइंट टू यू, सो यू मे राइट इट एज माइनस ऑफ के एम बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू जो है वो अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ के एम वेक्टर बाय आर स्क्वायर की पावर थ्री बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर है, सो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस थ्री बाय टू है, तो ये होगा माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यू, माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यू, एंड दैट इज सिमिलर टू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो निकल कर आता था माइनस ऑफ के पी बाय आर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आता था माइनस ऑफ के पी बाय आर क्यूब, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही निकल कर आएगा माइनस ऑफ के एम बाय आर क्यूब। यहां ये जो के की वैल्यू होती है, यहां ये जो के की वैल्यू होती है ये म्यू नॉट बाय फोर पाई होती है, और यहां जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इतना ही फर्क होता है, बात आ गई समझ में। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। मुझे लगता है आप आइडेंटिकल रिलेशनशिप्स देख पा रहे होंगे, डेरिवेशन भी एक जैसी दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज यदि मैं आपसे बोलूं जो मैंने आपको फेज टू और फेज थ्री ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया भी था, मैंने एट एनी पॉइंट बताया था और सिस्टम रेजोल्यूशन टेक्निक सिखाई थी, वही मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड नेट एट एनी जनरल पॉइंट बताना है आपको ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल या ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट। तो देखिए कैसे बता पाएंगे, हम कह पाएंगे सबसे पहले समझते जाना चीजों को, बस आप ये कह पाओगे कि देखो बॉस ऐसा है कि हमारे पास, चलो डायग्राम ऐसे ही लेते हैं, एक ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो पता है मुझे, LM equals to 2A है, और हमें ये भी पता है दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल O, किसी एक पॉइंट से इसकी दूरी A है लाइक दिस, और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस,
magnetic moment will be directed like this. Now there is any general point P where you wish to determine the value of magnetic induction vector या magnetic field strength या magnetic flux density बोले, जो कि position vector R vector बना रहा है. The position vector of point P with respect to the center of the bar magnet it is R vector. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाला जो angle बन रहा है वो angle बन रहा है phi. ये वाला जो angle बन रहा है वो बन रहा है phi. तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसका pole strength small m लिया है आपने, इसका pole strength भी small m लिया है, मैग्नेटिक लेंथ एल एम है, 2a लिख सकते हैं, m वेक्टर है. तो यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इस P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम हाई फाई ज्योमेट्री लगा के कर ही सकते हैं वो काम, कई सारे तरीके हैं. लेकिन मैं इसे एक सिस्टम रेजोल्यूशन टेक्निक से सिंपल बताऊंगा. मैं कहूंगा क्यों ना आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये हमारा एक नया एक्सिस है, ये जो है हमारा एक नया एक्सिस है, दिस विल सर्व एज आवर न्यू एक्सिस एक्सिस एंड इससे परपेंडिकुलर जो होगा दिस विल सर्व एज इक्वेटोरियल. ये इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सियल हो गया, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है. अब इसमें अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट का इफेक्ट देखूं, मैग्नेटिक मोमेंट का प्रोजेक्शन देखूं इन वेक्टर्स के अलोंग, तो मैं बोलूंगा यार मैग्नेटिक मोमेंट का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, दैट विल बी एम कॉस फाई, दिस विल सर्व एज योर एक्सियल कॉम्पोनेंट. और एक्सियल कॉम्पोनेंट की एक खास बात होती है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, बी ए वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा बी ए वेक्टर. और मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, दिस विल बी एम साइन फाई. भाई जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कॉस फाई, और ये एम कैप मैंने लिखा है तो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वेक्टर भी तो पूरा इधर ही होगा ना. तो ये मत सोचो मैंने यूनिट वेक्टर को रिजोल्व किया है, मैंने पूरे के पूरे वेक्टर को रिजोल्व किया है, ठीक है. सो अगर बी ए कैप इधर आया, अब बड़ी छोटी सी बात है कि यह है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन की एक खास बात होती है कि फॉर्मूला होता है माइनस के एम बाय आर क्यूब या माइनस के पी बाय आर क्यूब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो इसकी खास बात यह है कि जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है उससे उल्टी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की. तो आप बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट यदि एक्सियल में यू लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू होगी इक्वेटोरियल में अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट यू लग रहा है तो इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यू होगी. एंड लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्सियल वन. तो ये अल्फा जो है ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट से कितना एंगल बना रहा होगा, फाइव प्लस अल्फा. नेट मैग्नेटिक मोमेंट से कितना एंगल बना रहा होगा, फाइव प्लस अल्फा. ऑलराइट, तो इसको निकालना बात की बात है, पर फिलहाल हम देखिए छोटी छोटी चीजें लिखते जाते हैं यहां पर कि हमें क्या क्या समझ में आ रहा है. सबसे पहली बात मैं यहां पे लिखूंगा शेयर, ध्यान से सुनना मेरी बात. नंबर एक बात मैं लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा एम इंटू एल एम, दैट इज एम इंटू टू ए. एक बात तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है. दूसरी बात यदि मैं पी पॉइंट पे एक्सियल कॉम्पोनेंट लिखना चाहूं, P पॉइंट पे एक्सियल कॉम्पोनेंट यहां वाला लिखना चाहूं, तो एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r³, यानी 2km/r³, लेकिन m जो होगा वो पूरा का पूरा m नहीं होगा, m कौन सा होगा जो एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि m cos phi. समझ रहे हो, मैंने अब एक वर्चुअल एक्सिस माना है, सिमिलरली मैंने एक इमेजिनरी इक्वेटोरियल माना है. तो मैं लिखूंगा बीपी इक्वेटोरियल जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला होता है माइनस, फॉर्मूला होता है माइनस, लेकिन मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो kp/r³ यानी km/r³. तो यहां m कौन सा होगा, m होगा पूरा का पूरा m नहीं, इक्वेटोरियल के वाला. तो इक्वेटोरियल वाला m कौन सा है, m साइन फाई है, जो इक्वेटोरियल के पैरेलल है वो कौन सा है, m साइन फाई. ऑलराइट, सो यदि मैं यहां पर बीपी नेट निकालने की कोशिश करूं, बीपी नेट निकालने की कोशिश करूं तो देखिए ये कैसे आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ बीपी एक्सियल वाले का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, बीपी इक्वेटोरियल वाले का स्क्वायर हो जाएगा. तो आप बोलेंगे एक्सियल वाले का स्क्वायर और इक्वेटोरियल वाले का स्क्वायर, एक्सियल वाले के स्क्वायर के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे इसका स्क्वायर करना है और इक्वेटोरियल वाले के लिए इसका स्क्वायर करना है, दोनों में से km/r³ कॉमन आ जाता है और अंदर बचता है अंडर रूट ऑफ इट विल बी cos 2 cos phi का स्क्वायर,
2 cos phi का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा sin phi का स्क्वायर। जरा और ध्यान से देखो अगर, तो तुमको रियलाइज होगा कि BP नेट जो निकल कर आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू K की वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, K की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई और लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ K m बाय r क्यूब। एंड यहां आएगा 4 cos square phi और 1 sin square phi, 1 cos square phi को हटा लेंगे तो sin square phi plus cos square phi 1 हो जाएगा, so it is 1 plus remaining 3 cos square phi. So the result is mu naught over 4 pi m by r cube, mu naught over 4 pi m by r cube, and it is under root of 1 plus 3 cos square phi, root of 1 plus 3 cos square phi. मैं चाहता हूं यही मैं आपको एंगल भी बता दूं, एंगल मेड बाय, यहां आप क्या बोल सकते हो, हियर एंगल मेड बाय BP net vector with magnetic moment vector is given by, ये एंगल हो जाएगा, is given by that will be equal to total angle कितना हो जाएगा, 5 plus alpha where this will be 5 plus, देखो अल्फा को क्या लिखोगे यदि मैं आपसे बोलूं tan अल्फा मुझे निकालना है, 5 प्लस अल्फा, देखो जब दैट मैं इसको भी ऊपर ही लिख देता हूं, देखिए फॉर tan अल्फा जो होगा वो tan अल्फा क्या होगा, BP इक्वेटोरियल बाय BP एक्सियल। और अगर ध्यान से देखें तो ये BP इक्वेटोरियल बाय BP एक्सियल, इसको इससे डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन KM बाय R क्यूब कट जाएगा, साइन फाइव बाय कॉस फाइव विल बी टैन फाइव, और डिनोमिनेटर में टू भी है, या फिर आप ये लिख सकते हो अल्फा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2 tan φ, अल्फा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2 tan φ। इन दिस वे यू कैन गेट योर रिजल्ट राइट, यहां से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि फाइनल एंगल कितना बन रहा है। यही बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी, अब मुझे लगता है प्योर ज्योमेट्री है, आपको समझ में आ गया होगा टोटल एंगल ये वाले का इससे कितना बनेगा, पहले फाइ फिर अल्फा, जहां अल्फा हमें पता नहीं है तो अल्फा वेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बीपी इक्वेटोरियल बाय बेस कंपोनेंट बीपी एक्सियल, तो इसको इससे डिवाइड किया तो मैथमेटिकली साइन फाइ बाय टू कॉस फाइ बचा, यानी टैन फाइ बाय टू बचा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2 tan φ। इस अल्फा को उठा के यहां पर डालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल हमें समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से इसी फॉर्मूले से सिंपली एक्सियल और सिंपली इक्वेटोरियल भी डिटरमाइन किया जा सकता है। सिंपल अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे देखना है यहां पर, तो मैं फाइ की वैल्यू कितनी डाल दूंगा, 0 degrees, तो फाइ की वैल्यू 0 डालते ही 3 cos square 0 यानी cos 0 1 होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 plus 3 यानी कि 4 का अंडर रूट लोगे तो 2 आएगा, वही फॉर्मूला जो एक्सियल के लिए आना चाहिए, 2 km by r cube, जब आप सिर्फ एक्सियल के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपका ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे होगा, ऐसा इक्वेटोरियल पे होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल 90 बन रहा होगा, कॉस 90 वाली ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो द फाइनल रिजल्ट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1, सो इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम बाय आर क्यूब यानी के एम बाय आर क्यूब, जो कि सिर्फ इक्वेटोरियल पे होना भी चाहिए था। बात आ गई है समझ में। इसी के साथ यदि मैं आगे चलूं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं एक कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं, देखो यदि आप इस बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं पहले, When placed in magnetic field, तो बार मैग्नेट when placed in magnetic field, ये कैसे निकलेगा? यदि आप बोलेंगे uniform magnetic field, और आप बोलेंगे non-uniform magnetic field, तो दोनों में ही behavior, जैसे हमने electric dipole का लिया था, uniform magnetic field में आप बोलते हैं force जो होता है net force, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा, ये हमेशा जीरो होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एंड नेट टॉर्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो,
मे और मे नॉट बी जीरो. ऑलराइट. और अगर मैं मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, तो चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करो या आप मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में बात करो, दोनों के बारे में ही आप कह सकते हैं ये दोनों ही मे और मे नॉट बी जीरो. ये डिपेंड करेगा नॉन यूनिफॉर्मिटी पे. नॉन यूनिफॉर्मिटी की कोई परिभाषा थोड़ी होती है, बस यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए. तो अनेक प्रकार की नॉन यूनिफॉर्मिटी हो सकती है. तो किसी के लिए हो सकता है फोर्स और टॉर्क जीरो हो या इंडिविजुअली जीरो हो, किसी के लिए हो सकता है ना भी. सो मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो. बात आ गई है समझ में. सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें रखा है आपने अपने बार मैग्नेट को, इसमें रखा है आपने अपने बार मैग्नेट को, समवॉट लाइक दिस. लेट्स से दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल पे यदि मैं आपसे ये बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट है, से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बी नॉट है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. जैसे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लाइक एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली आप बोल सकते हैं सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है पोल स्ट्रेंथ, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ एंड हियर इट इज मैग्नेटिक फील्ड. एनालोगस है ना सारे फॉर्मूले. तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि आपने कहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम बी नॉट, और इस पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम बी नॉट. तो फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट फोर्स कितना है जीरो. मगर इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में टर्न तो करेगा ही. तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखो यहां पे जरा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपने साउथ टू नॉर्थ ये दिखा दी है. आप कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपने साउथ टू नॉर्थ ये दिखा दी है, ये होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है फाइव. तो यदि मुझे टॉर्क देखना होता है कपल के कारण, तो हम करते क्या है, हम दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी देखते हैं. तो हम कहेंगे ये होगी आपकी डी परपेंडिकुलर, और कितनी होगी, आपने कहा यहां से यहां की दूरी एलएम है, मैग्नेटिक लेंथ है, और ये एंगल फाइ है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी एलएम साइन फाइ, एलएम साइन फाइ. मुझे बताओ हां कि ना, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है मगर मैग्नेटिक टॉर्क टर्निंग फील हो रही है हमें, तो मैथमेटिकली टॉर्क निकालेंगे. टॉर्क कपल के लिए कैसे निकालते हैं, वी नो यदि मैं आपसे कहूं टॉर्क ड्यू टू कपल निकालना है आपको, टॉर्क ड्यू टू कपल, तो टॉर्क ड्यू टू कपल निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही होंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू, देखो आप क्या बोलोगे कि मैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो निकलकर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स यानी एम बी नॉट, यानी आप बोलेंगे एम बी नॉट इंटू डी परपेंडिकुलर. डी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ये यदि एम बी नॉट है, डी परपेंडिकुलर की वैल्यू है एल एम मैग्नेटिक लेंथ इनटू साइन फाइ, वेयर द फाइ इज द एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. आप कहेंगे एम इनटू एल एम को लिख लीजिए साथ में इनटू बी नॉट इनटू साइन फाइ, तो ये निकलकर आ गया है मॉड एम, ये बी नॉट है मॉड बी इनटू साइन फाइ. तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आया वो फॉर्मूला ये निकलकर आ गया मॉड एम मॉड बी साइन फाइ. वेक्टोरियली यू कैन से कि ये क्रॉस प्रोडक्ट से निकलकर आता है, ये हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक्स में सीखा भी है. तो अब ध्यान रखेंगे कि टाउ एम जो निकलकर आया है वो एम क्रॉस बी निकलकर आया है, टाउ एम जो निकलकर आया है वो एम क्रॉस बी निकलकर आया. बात आ गई समझ में. ऑलराइट. तो ये मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि मैग्नेटिक
फील्ड यदि यूनिफॉर्म हो तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि आप अपने बार मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, यानी उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं, नेट फोर्स जो है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ठीक है, यदि मैं यहां पे बात करूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ कंप्लीट इक्विलिब्रियम की या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये कौन से कितने पॉइंट हो गए, 10 हो गए, आइए 11th के बारे में बात करते हैं। यदि मैं बात करूं 11th के बारे में, सो आई विल से, देखो फॉर्मूले की एप्लीकेशन तो न्यूमेरिकल सेक्शन में डीपीपी आपको दी जाएगी, उसको आप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है ना। फॉर्मूले वैसे ही है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट प्रॉब्लम जैसी एग्जाम में आती है एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की, वो मैं बता चुका हूँ, और जितनी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं बताता हुआ चलूंगा। अभी क्विक रिवीजन के तौर पे भी हम इसको ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैग्नेटिक्स को पढ़ रहे हैं डिटेल में। सो 11th के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब आप क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे कि देखो हो क्या रहा है, वी नो कि नेट फोर्स जो होगा इस पे वो तो हमेशा ही जीरो होगा। नेट फोर्स जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखने पे हमेशा ही जीरो है, ऑलवेज। इसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी मेंटेन्ड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी मेंटेन्ड। ऑलराइट, नाउ और हम क्या बोल सकते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या तो आप बात करेंगे बेटे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, या फिर आप क्या बात करेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम की, क्योंकि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, ट्रांसलेशनल ऑलरेडी है, तो कंप्लीट भी तो कहलाएगा। आप बोलोगे कि नेट टॉर्क जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क के जीरो होने का मतलब है कि साइन फाई जो है वो जीरो हो जाना चाहिए, यानी फाई जो है वो या तो जीरो डिग्रीज होना चाहिए या 180 डिग्रीज होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए अभी के लिए बता दूं कि यदि आपका फाई जीरो डिग्री होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल जीरो होगा, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यदि आपका 180 डिग्री होगा तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस बात को हम अभी बहुत डिटेल में चर्चा भी करेंगे, तो मैं अभी आपको उसकी फील नहीं दे रहा हूं, पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी सिखाऊंगा। तो आप बोलेंगे नंबर दो बात, नंबर 12, आप यहां बात करेंगे वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग दी बार मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग दी बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप बोलोगे वी नो कि हमारा जो मैग्नेटिक टॉर्क आया है वो मैग्नेटिक टॉर्क आया है एम क्रॉस बी। एक बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए ये फिक्स, फिक्स्ड फॉर अ गिवन बार मैग्नेट, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड फॉर अ गिवन बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म है, तो अगर ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है तो मैग्नेटिक टॉर्क कैसा हुआ, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, लग रहा है ना कॉन्स्टेंट, पर वेरिएबल है, वेरिएबल, ये वेरिएबल है एज एज मॉड एम जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, फिक्स फॉर अ बार मैग्नेट। मॉड बी जो है वो भी कॉन्स्टेंट है, बट दोनों के जो बीच का एंगल है, क्योंकि बार मैग्नेट को रोटेट कर रहे हो आप, तो दोनों के बीच का एंगल तो पल पल बदलता रहेगा, और यदि दोनों के बीच का एंगल पल पल बदलता रहेगा तो बोलोगे कि वेरिएबल है। और यदि बोल दोगे कि वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, यदि बोल दोगे कि वेरिएबल है, इसका मतलब है आप ये कह पाएंगे सो जो टॉर्क, जो वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, वर्क डन जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, दैट विल बी थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, ये निकल कर आ जाएगा आपका वर्क डन, राइट।
एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था, PE cos phi, यहां आ जाएगा माइनस ऑफ MB cos phi, या फिर आप इसे बोलोगे माइनस ऑफ MB cos phi, या फिर आप उसे बोलोगे माइनस ऑफ M vector dot B vector, दैट विल बी अनदर फॉर्मूला। तो एक तो आपका फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, वर्क डन ऐसे निकलेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये निकल कर आ गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये दोनों ही फॉर्मूले में बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को समझने के बाद अब बात करते हैं एक बार डिटेल में इक्विलिब्रियम की, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और यदि मैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा हूं तो देखिए कुछ चीजें फिर समझेंगे कुछ इस प्रकार से। यहां बात कर लेते हैं पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जब हमारा फाई की वैल्यू 0 degrees होगी, राइट। और यहां बात कर लेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अब फील भी कर पाएंगे उस बात को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और ये तब होगा जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 degrees होगी, फाई की वैल्यू 180 degrees होगी, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कर क्या रहा हूं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां हम बार मैग्नेट रख रहे हैं, और हमने बार मैग्नेट के साथ किया क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं टॉर्क की टर्म्स में और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी दोनों को जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। सो द सिचुएशन इज, राइट, वी हैव अ बार मैग्नेट, दिस इज द सिचुएशन नॉर्थ साउथ। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है, एम कैप, ठीक। व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने ना बार मैग्नेट को थोड़ा सा डेविएट किया, तो आपकी फिगर कुछ ऐसी आई, ये नॉर्थ है ये साउथ है, एंड यू डेविएटेड इट लाइक दिस, आपने इसे डिस्टरबेंस दी, ठीक है। और आपने पाया कि इस पे फोर्स लग रहा है एम वी नॉट इधर, और इस पे फोर्स लग रहा है एम वी नॉट पीछे, यानी आपकी बार जो टॉर्क लगा, आपने डिस्टरबेंस दी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क ने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज वापस लाने की कोशिश की, रीस्टोर करने की कोशिश की। तो इस मोमेंट पे इस पे इधर लग रहा था एम बी नॉट और इधर लग रहा था एम बी नॉट, यानी नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, इक्विलिब्रियम में तो ये अभी भी है। लेकिन जब आपने इसे डेलिबरेटली डिस्टर्ब किया तो आपके डिस्टर्ब करने के बाद ये वापस से रिस्टोर हो गया, यानी इक्विलिब्रियम जिसको डिस्टर्ब करो और वो वापस से पहले जैसा हो जाए, तो स्टेबल ही तो है। सो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन नेचर। तो आप क्या बोलोगे, श्योर, दैट्स व्हाई सिस्टम, या यू कैन से मैग्नेटिक टॉर्क रिस्टोर्स द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, after disturbance, जब आपने disturb कर दिया तो magnetic torque की चाहत है कि वो system को वापस से पहले जैसा करे, तो वापस से पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा है, so stable equilibrium है, and potential energy जो होगी वो u minimum होती है, या देख भी लेते हैं उसे, potential energy जो होगी, magnetic potential energy, potential energy u, इसका formula होगा minus of mb एंड कॉस ऑफ 0 degrees होगा ना, 0 degrees, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एमबी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस ऑफ एमबी कॉस फाइव के अकॉर्डिंग, यानी जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो नेचुरली उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, दूसरा डायग्राम भी देखते हैं, ज्यादा अच्छी से फील आएगी अपने को। हम ये कहेंगे कि अब की बार हमने बार मैग्नेट को कुछ ऐसे रखा है कि ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल,
तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ उल्टी लाइक दिस, और यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है पीछे की ओर मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा एम बी नॉट, और इस पे फोर्स लग रहा है आगे की ओर एम बी नॉट, यही हो रहा है लाइक दिस, ऐसे लग रहा है फोर्स. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्रोवाइडिंग इट सम डिस्टर्बेंस समवॉट लाइक दिस, आपने उसको यूं डिस्टर्ब कर दिया ऐसे. और आपकी जानकारी के लिए दोबारा दिखा देता हूं, देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये साउथ है ये नॉर्थ है. यदि आपने ऐसे डिस्टर्ब किया है, यदि आपने ऐसे डिस्टर्ब किया है, साउथ पे अभी भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा लगेगा एम बी नॉट, और नॉर्थ पे अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में एम बी नॉट. यदि आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आप देखो आप फर्दर डिस्टर्ब हो रहे हो, टॉर्क ऐसा आ रहा है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें डिस्टर्ब करने के बाद वापस से रिस्टोरेशन हो जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें डिस्टर्ब करने के बाद फर्दर डिस्टर्बेंस हो जाए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है. यहां पे तो इक्विलिब्रियम ही है, टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो, क्या बोलोगे? हियर मैग्नेटिक टॉर्क, जो भी आपका मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, दैट फर्दर डिस्टर्ब्स द सिस्टम. मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो सिस्टम को और डिस्टर्ब कर देता है वंस इट इज डिस्टर्ब्ड. वंस इट इज डिस्टर्ब्ड, एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो और वो फर्दर डिस्टर्ब हो जा रहा है, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है U, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस 180 डिग्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल 180 है, माइनस ऑफ एम बी कॉस 180 डिग्री, सो दैट इज पॉजिटिव. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 1 होता है, सो दिस इज प्लस एम बी. और आपको बता दूं मैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए आप कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यदि मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हो तो एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? चलिए बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट की. हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड यू विल से कि इसी से सवाल आएंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के, इसी से सवाल निकल कर आएंगे आपके एक डिवाइस का नाम लेकर, एंड द नेम ऑफ द डिवाइस विल बी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर अभी डिवाइस पढ़ने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, आपको बस मैं डिटेल में सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि SHM में हमने क्या सीखा था. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बात की थी लीनियर SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमने बात की थी एंगुलर SHM की, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, करी है ना ये सारी बातें हमने. तो क्या सीखा था इसमें, हमने बात करी थी कि सर लीनियर SHM की कंडीशन ये होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है. इसका मतलब यहां इसे हम m इंटू ए लिखते हैं तो ये के आर इंटू माइनस एक्स आता है, ऑलराइट? यहां से हम एक्सेलरेशन को के आर बाय m इंटू माइनस एक्स लिखते हैं. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम यहां पे लिख देते हैं, पुट डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए, के आर बाय m को हम लिखते थे ओमेगा स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन यहां से निकलकर आ जाता था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये एक और कंडीशन होती थी SHM की, ये कंडीशन है, ये कंडीशन. सो टाइम पीरियड जो होगा वो आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के आर बाय एम अगर आप यहां पे डालेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 2 पाई अंडर रूट एम बाय के आर आता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के आर आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनसाइड इन द केस ऑफ लीनियर SHM. लेकिन यहां पे तो हम देख रहे हैं नेट फोर्स जीरो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका ऑसिलेशन जो होगा बार मैग्नेट का भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में डेविएट किया और छोड़ा, तो अब ये वापस आएगा, वापस आके रुकना चाहता है मगर रुकेगा नहीं, कुछ स्पीड अटेन कर चुका होगा तो फिर ऐसे जाएगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. ये ऐसे 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 स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई वही उसकी मेन पोजीशन है, इस ऑसिलेशन इज एंगुलर. तो यदि एंगल के बारे में बात करेंगे हम, तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि एंगल डेविएशन देके छोड़ेंगे तो एंगुलर SHM होगा. तो पहले आइए उसकी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं. हम यहां कह सकते हैं कि यहां जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू माइनस ऑफ द एंगुलर डेविएशन होगा। जो आपने एंगुलर डेविएशन दिया, नेगेटिव साइन क्या बताता है, अगर ऊपर की तरफ डेविएट करोगे तो रिस्टोरेशन का मतलब टॉर्क नीचे लगेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन देने पे मैग्नेटिक टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है और क्लॉकवाइज डेविएशन देने पे मैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तभी तो हुई रिस्टोरेशन, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन राइट इट एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी kr, हियर इट विल बी माइनस थीटा, लेट्स अवॉइड टू राइट वेक्टर एवरी टाइम, बट वी नो कि वेक्टर्स से डील कर रहे हैं। द वेव फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक उसी प्रकार से टॉर्क को लिखा जा सकता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, मेरे दोनों एक जैसे बनते हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, ठीक है ना। तो अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू के आर बाय आई इनटू माइनस थीटा, यू कैन से रख देते हैं डायमेंशंस वगैरह को मद्देनजर रखते हुए के आर बाय आई को ओमेगा स्क्वायर। सो एक और कंडीशन आ गई कि अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो यू विल से टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, सो दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आर, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आर, एंड दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड फॉर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। मैग्नेटिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, तो हम कहेंगे शेयर वी नो की जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है वो मैग्नेटिक टॉर्क टाउ एम लगता है एम क्रॉस बी, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स। आप क्या बोल सकते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स यू कैन से टाउ एम विल बी इक्वल टू एम बी साइन फाई, एम बी साइन फाई। तो यहां जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई यदि आता तो एस एच एम होता, मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई आ रहा है, तो आप बोलोगे इन जनरल ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेट तो करेगा मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे एसएचएम नहीं है, बट नॉट एसएचएम, ऑसिलेटरी है मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। बट फॉर स्मॉल एंगल्स, यदि आप डेविएशन ही बहुत छोटी दो, बस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से यानी मीन पोजीशन से बस थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल एंगल साइन फाई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई। सो यू कैन से कि जो हमारा मैग्नेटिक टॉर्क आएगा वो अप्रोक्सीमेटली एम बी इंटू फाई आएगा। नोट दैट कि अब की बार मैग्नेटिक टॉर्क स्मॉल एंगल्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आ रहा है, यानी अब की बार ये एसएचएम की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, यानी अब की बार इसका टाइम पीरियड निकालना पॉसिबल है। तो आप बोलोगे बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन टाउ एम इक्वल टू के आर इंटू थीटा के आर इंटू फाई, वी गेट के आर की वैल्यू, रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट के आर कितना निकल कर आ गया, एम बी के बराबर। Therefore, जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आर, आज के बाद वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑसिलेट करता था तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट पी इंटू ई आता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गया। सो फाइनली दैट्स द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। Alright, so this is the time period of oscillation of a bar magnet inside the region of a uniform magnetic field. Physically, हम feel कर चुके हैं, सारी mathematics हमारे सामने है। चलें अगले point की तरफ। बात करनी है अब 15th point की and we will be talking about this. क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? हम बोलेंगे this is stress developed. इन अ बार मैग्नेट, सॉलिड्स के साथ कंबाइन कर रहा हूं मैं, सॉलिड्स के साथ, ठीक है, सॉलिड का जो चैप्टर होता है फिजिक्स में उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल, याद आया? तो हम कहेंगे कि देखिए ऐसा है, ये ले लेते हैं हमारा बार मैग्नेट, दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल। वैसे भी हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स से। वैसे भी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ हम स्मॉल एम और स्मॉल एम लेकर चल लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक
आप बोल सकते हो जस्ट लाइक चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर मॉड क्यू वन क्यू टू. वी हैव मैग्नेटिक फोर्स, देखना जरा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा के तो वैसे का वैसे रहेगा, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी दोनों जगह एम एन टू एम बाय दोनों के बीच की दूरी. तो आप बोलोगे पोल टू पोल सेपरेशन मैग्नेटिक लेंथ या फिर टू ए कहलाती है, पोल से पोल की बीच की दूरी. तो आप कहेंगे एल एम का स्क्वायर, एल एम का स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज के की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई, इट विल बी एम स्क्वायर एंड इट इज टू ए का स्क्वायर, m square by 2a का पूरा square, 2a का यानी magnetic length का square. So this is your magnetic force. एक बार magnetic force आ गया है तो इसके बाद stress कैसे निकालोगे? भाई इतना ही magnetic force as a restoring force लग रहा होगा. Restoring force per unit area होता है stress, तो area of cross section. So that can be written as force. आपका आपके पास force का formula है, force का formula है आपके पास, area of cross section आपको अगर दिया होगा, area of cross section, तो आप डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? भाई इतना ही फोर्स अंदर से भी लग रहा होगा सिस्टम की स्ट्रेस मतलब बैलेंस करने के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स को, तो वही रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा. तो स्ट्रेस हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. स्ट्रेन कैसे निकलेगा? आप बोलेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वो यंग्स मॉडुलस होता है. तो जो भी आपका स्ट्रेस निकाला है आपने, इसे आप डिवाइड कर देंगे यंग्स मॉडुलस से, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस. ऑलराइट, बात आ गई समझ में. सिंपली आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि उसे आप चेंज करेंगे. सो स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. स्ट्रेन निकल कर आ जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस. यू कैन डील विद इट दिस वे. ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले सोर्स की, अगले पॉइंट की. अब हम बात करेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स. और ये अभी के लिए हमारे डिस्कशन का आखिरी मुद्दा है. गॉस लॉ क्या होगा? ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस दैट विल बी इक्वल टू, जैसे क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था. तो ये म्यू आर म्यू नॉट पोल स्ट्रेंथ होगा, मगर जितना पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ही नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ भी होता है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट. अगर नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव मान रहे हो तो कन्वेंशनली साउथ पोल का फिर नेगेटिव मानना चाहिए. सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. तो क्लोज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा ही जीरो निकल कर आएगा. और इसके पीछे का कारण ये है, सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके सिर्फ अकेला नॉर्थ या सिर्फ अकेला साउथ किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली होंगी उतनी ही साउथ पर आके टर्मिनेट हो गई होंगी. इफेक्टिवली आपका फ्लक्स कितना निकल कर आएगा? जीरो. सो यू कैन से सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का डिस्कशन हमारा बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज को लेके कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा. और अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप फेस करने वाले हो, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पक्का है कि इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा. अगर वर्स्ट केस में मैग्नेटिक्स में से या मैग्नेट बार मैग्नेट से सवाल उठ के नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से फेस करोगे. तो मेरा सजेशन आपको यह है कि जो पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से कर चुके हैं उन्हें तो ये काफी इजी लगा होगा, और जो पहली बार इसे देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी अब इसके बाद रिवाइज कर लें. डाइपोल फेस टू और डाइपोल फेस थ्री में मैंने जो आपको पढ़ाया है, सो दैट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल सेक्शंस जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं इसमें हमारी इक्वली कमांड हो जाए और सिलेक्शन जरूर हो. ऑलराइट, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, जल्दी मुलाकात होगी बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ भी. Bye-bye.